हाय देयर, वेलकम बैक टू व्लॉग बर्ड्स। अभी हम लोग हैं, ये कौन सा जगह है? चिरुगोड़ा। और यहाँ पे रेलवे को इन्होंने जाम किया है, संथाली लोगों ने इनके अपने डिमांड्स को लेकर के, और इन्होंने आज झारखंड बंद बुलाया है। आज डेट है 4, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जगह पे, मे बी और भी कहीं पे ऐसा हमें नज़ारा देखने को मिले। हाँ, इस ओर से तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो आगे तरफ से हम लोग जाएंगे अभी। ये देखिए, और यहाँ पे पुलिस का वाहन भी है, ये देखिए। तो अभी यहाँ से फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। आराम से, ताकि मैं भी टिकूं, पीछे टिकूंगा ही नहीं। ये है, अच्छा, सारजाम डी ही ये इधर का नाम है। तो यहाँ पे आगे जो रेलवे फाटक है, तो उन्होंने जाम कर रखा है पूरा रेलवे लाइन को, मतलब ट्रेन बाधित रहेगा लग रहा है। और हम लोग तो फिलहाल इधर से जा रहे हैं, वो जंगल वाला रास्ता लेंगे, वो जो जहाँ पे हम लोग निकले थे घाटशिला उत्कारा के ठीक सामने से जो निकले थे ना, आज वही सामने वाला रास्ता काम देगा हमारा। हालांकि वो पूरा गांव शायद संथाल वाला गांव है, फिर भी देखते हैं क्या उधर का सिचुएशन है। इस जाम को झेलने वाले हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हमारे ही जैसे वहाँ से वापस आ करके और फिर जा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला भी हो सकता है। हाँ, ये भी एक नया ही रास्ता है वैसे तो हमारे लिए। हाँ, क्योंकि हम लोग आगे तरफ जा रहे थे। रुको 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 रुको, ए बाबू, एटा की मैंने हाईवे जाच्छे रोडटा, ओ इसमें जाम लगे, ओ एटा तो जाम अच्छे आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये रोड नहीं जाती है हाईवे, तो यहाँ से फिर वापस ले रहे हैं हम लोग, और इस तरफ से हम लोग जाएंगे वही सेम रोड। देखेंगे अगर उस बीच अगर कोई और रोड मिलता है तो अलग बात है, और वरना तो उपाय नहीं है। एक्सप्लोरेशन का एक्चुअली में ये फायदा होता है कि जब आपको एक्सप्लोर करना हो ना, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। राइम्स। और ये देखिए, हम लोग हाईवे की ओर जा ही रहे थे कि हमें दिखा बेल का पेड़, और बहुत सारा बेल गिरा हुआ है, तो हमें लगा कि चलो उठा लेते हैं। और ये देखिए, हम लोग उठा भी लिए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ में रख देते हैं, डिक्की में रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उठाओ इसको। ओहो, अच्छा अच्छा, तुम्हारे दोनों हाथ, हाँ हाँ, ठीक है, डिक्की में ही रखना पड़ेगा, आ जाएगा ना। अरे, सड़ा हुआ तो नहीं है? सड़ा हुआ नहीं है, तो इतना हल्का क्यों है? हल्का कहाँ है। अच्छा, चलो ठीक है। तो शायद यहाँ के लोग उतना ज़्यादा बेल पसंद नहीं करते, लेकिन बेल का शरबत बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है, खासकर गर्मी के टाइम पे, और गर्मी के ही टाइम पे आपको बेल मिलेगा भी। तो हम लोग देख रहे हैं, बस नीचे का जो गिरा हुआ है, तो कोई तो उठाया नहीं है, हम लोग उठा लेते हैं, या पता नहीं लोग यहाँ पर बाद में उठाते होंगे या क्या। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, हो गया, पता नहीं ना, वो लोग से पूछेंगे ना। ना ना, कुछ पूछने पछने इधर करनी है, क्योंकि ये लोग का मान्यता अलग अलग रहता है ना, भूतिया जगह, ये जगह, वो जगह। ये रहा, अच्छा, बेल में कौन सा भूत होगा? शिव जी का तो ये है, पर भूत अगर होगा तो भूत का भी शरबत बना के हम लोग खा लेंगे, पहले होंगे हम लोग। ऐसे मत बोलिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक, नहीं बोलता हूँ। चलो, तो हम लोग बेल उठाएं और इसके बाद हम चल दे रहे हैं अभी। लेकिन वाकई में ये सोचने वाला बात है, इतना सारा बेल गिरा हुआ था लेकिन किसी ने भी उठाया नहीं। हो सकता वो नहीं, वो जामुन पेड़ जैसा वाला हालत होगा शायद, वो जो वहाँ पे इतना सारा जामुन गिरा हुआ रहता, कोई उठाता नहीं है, वैसे ही होगा, या शायद टेस्ट अच्छा ना हो, क्या रीज़न है, अब छोड़ो। हाँ, यही रोड अब हमें लेकर के जाएगा वापस। अरे, लेकिन इससे तो बहुत पीछे निकलेंगे हम लोग, है ना, उससे अच्छा तो वही तामुकपाल होते हुए आते वक्त वहीं से आएंगे, तामुकपाल होते हुए, या क्या।
सेम ही पड़ेगा ऑलमोस्ट, यहाँ से तामुकपाल होते हुए भी आएंगे तो। और आज पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, ये देखिए हम लोग यहाँ से आने वाले थे लेकिन ये देखिए ये आगे समंदर जो है ये हमारा वेट कर रहा है। तो इधर अभी अभी हमने देखा एक बाइक वहाँ से पार हुआ, तो वो बाइक ही आधा डूब गया था, तो स्कूटी के तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये देखिए ये है रास्ता, यहाँ से तो पार हम लोग हो नहीं पाएंगे, तो अभी वापस से मुड़ करके जाएंगे और फिर वो कासीदा होते हुए फिर उधर जाएंगे हम लोग, और कोई भी रास्ता नहीं है इधर, तो अब क्या किया जा सकता है, चलते हैं। वैसे एक ऑटो आ रहा है यहाँ से, देखते हैं ये ऑटो कैसे करके पार करेगा, क्योंकि अगर ये ऑटो पार हो गया तब तो फिर हमारा स्कूटी भी पार हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्या करता है, जा तो रहा है, अरे रुक जाओ ना फट से, हो सकता है वापस आ जाएगा ना। कौन सा रास्ता में जा रहा है वो देखना होगा ना। अच्छा चलो 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 यार, ये भी बात ठीक है। वापस ही आएगा लगता है, या देखते हैं यहीं से, यहीं से हमें उधर नहीं जाना है। वो देखिए ऑटो भी वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है कि क्या किया जाए, नहीं उसने बंद कर दिया मतलब वो नहीं जाएगा। चलो 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 वापस चलो, देखने जा रहा है पानी कितना है। अच्छा अच्छा, उस ऑटो में से एक आदमी निकला और वो देखने के लिए जा रहा है कि कितना पानी है। अगर ये ऑटो वाला पार हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया रहेगा, हम लोग भी पार हो जाएंगे, बट लेट्स सी। और ये अंकल जी पूरा मज़ा ले रहे हैं कि ये सब नाटक देख के, पार होगा कि नहीं होगा। हो जाएंगे पार। रुक रुक वो देखो ना ठीक ठाक पानी है उधर। ये देखिए अंकल जी रास्ता देख रहे हैं, इस तरीके का कुछ है उधर पानी, और ये अंकल जी हाँ वो रहा, वो देखो वो साइकिल है जितना भी करने से, वो भी चक्का जो है ना वो बड़ा है पार, लेकिन होंगे कैसे करके। अच्छा एक बाइक भी है, ये भी पार हो रहे हैं। ओए मैं बोलता हूँ छोटा चक्का नहीं पार होते हैं यार, चल उधर से घूम के जाते हैं, फालतू फंस जाएंगे अभी। और ये देखिए हम लोग अब हाईवे में पहुँचे हैं, ये तामुकपाल वाला हाईवे है। वैसे आज मुझे उम्मीद नहीं था कि आज व्लॉग कुछ हो पाएगा, क्योंकि संथाल लोगों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है, तो इस वजह से, क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी गए तो भी अटक गए, इसके बाद दूसरे तरफ से हम लोग आने का सोचे तो उधर भी फंस गए, क्योंकि आगे तो समुंदर जैसा था। तो अभी फाइनली फिर वहीं से हो करके पूरा घूम घाम करके वो रंकनी मंदिर ये वो सब पार करके वही कासीदा होते हुए तामुकपाल वही वाला रोड पे फिर हम लोग आए हैं, तो आगे देखते हैं। वैसे एक लेडी अभी पार हुई तो काफ़ी मुस्कुराते हुए गई कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा हमें ये बताया गया ना कि आगे भी जाम है, अभी देखते हैं आगे तरफ जाके अगर जाम हुआ, मतलब हाईवे भी जाम है। हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब इन्होंने रेल भी जाम कर रखा है और हाईवे भी, तो देखते हैं अभी कैसा क्या माहौल है आगे, इसके बाद ही कुछ आगे का डिसीजन लिया जाएगा। अभी तो एकदम सस्पेंस वाला ये ब्लॉग बन रहा है ना। गाड़ी घुमाने बोल रहा था। अच्छा अभी अभी कुछ लोग गए तो वो लोग भी बोले कि गाड़ी घुमा लो ऐसा। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे कि अभी क्या करना चाहिए। अच्छा, तो दलहुमगढ़ जाने का रास्ता तो यहीं से है, वो जो आगे तरफ से। अच्छा ये जो इतना लोग जो जा रहा है वही बात है, सारा थोड़ी लौट रहा है, कहीं से तो ये लोग भी निकलेंगे ही ना। ये देखिए ये लोग इतने सारे लोग जा रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा क्या है। अब अगर एकदम ही जाम लगा हुआ है तब तो फिर वापस आना ही होगा, वो तो कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं। नहीं नहीं ये लोग कोई शॉर्टकट मार के निकले हैं, वो रहे आगे के कुछ लोग हैं जो गाँव होते हुए कहीं से निकले हैं। हाँ 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 वही वही, तो पकड़ो नेताजी की पूंछ, आराम से नेताजी की पूंछ पकड़ो, नहीं पूंछ हाथ में लेने के वजह से देखना हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद हम लोग तक धीना दिन था कर लेंगे बाटू।
सारे लोग वापस आने के लिए लेकिन बोल रहे हैं। कितना बढ़िया रहता है ना, कुछ भी अगर मुसीबत पड़ता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई जान पहचान हो नहीं हो लेकिन सारे कम से कम हेल्प करते हैं, ये इंडियन कल्चर है एक्चुअली। और ये देखिए आगे का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने आग लगा दिया है आगे। अरे बाप रे, आग लगा के उन्होंने रखा हुआ है। और ये देखिए पूरा सड़क जाम है हो रहा। यहाँ पे कहीं पे रोको, साइड पे कहीं पे रोको। ये देखिए रोड पूरा जाम है। और इस गाड़ी में कोई पेशेंट है तो इसलिए इनको ये लोग जाने के लिए दे रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके का जाम है यहाँ पे। और ये देखिए प्रशासन की भी पूरी गाड़ी आई हुई है, वहाँ पे SDM साहब की गाड़ी है उस तरफ, और इस तरफ में भी प्रशासनिक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे SDM की गाड़ी लगी हुई है। चलो ये देखिए सारे लोग यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं, पूरा ट्रक व्रक ये सब कुछ फंसा हुआ है जाम में। हाँ वही चीज़। हालांकि इनमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक पेशेंट के गाड़ी को जाने के लिए दिया, सारे ने कुछ कोई भी कुछ बोला नहीं कि नहीं ठीक है इसमें पेशेंट है जाने दो भाई ये करके, लेकिन बाकी किसी को भी ये जाने नहीं दे रहे हैं। गांव तरफ से है लेकिन किस तरफ से हो तो मालूम नहीं ना। वो देखिए वहाँ पे भी ये रेलवे ट्रैक में भी उन्होंने लाल झंडा दे रखा है पटरियों के बीच बीच में। और ये देखिए हमने सोचा था कि इस तरफ से हो करके आगे हाईवे से हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने इधर भी जाम कर रखा है। तो आज हम लोग निकले तो थे कहीं और जाने के लिए, बट ये ब्लॉग कुछ अलग ही तरीके से बन गया, एकदम से सस्पेंस में चला और फाइनली इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है क्योंकि अब वक्त है घर जाने का। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक दूसरे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ आपको डे टू डे लाइफस्टाइल के ही बारे में नहीं पता चलेगा बल्कि क्या कुछ हो रहा है ये भी पता चलेगा। मतलब क्योंकि हम लोग व्लॉग करने के लिए निकलेंगे तो कहीं जैसे आज ही को निकले थे कुछ और चीज़ का करने के लिए, बट आ गया कुछ और है ना। तो इसीलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।